यूपी के हरदोई में एक शख्स ने जमीन के अंदर अपने 2 मंजिला और 11 कमरों का महल तैयार कर दिया है। हरदोई के इस शख्स ने अपने हाथों से मिट्टी को काट कर लगभग 12 वर्षों में इस महल को तैयार किया है और अभी भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हरदोई के इरफान और पप्पू बाबा ने अपने गांव के ही एक ऊंचे मिट्टी के टीले को खोदकर उसके अंदर 2 मंजिला महल खड़ा कर दिया। इस महल के अंदर 11 कमरे, 1 मस्जिद और कई सीढ़ियां, साथ ही गैलरी और बैठने के लिए बैठक भी बना डाली। वह बताते हैं कि उन्होंने इसे वर्ष 2011 में बनाना शुरू किया था, तब से अब तक वह लगातार इसे बनाने में लगे हैं। इस गुफा के अंदर बने महल में जाने पर आपको वहां पर पुराने समय की नक्काशी भी इस महल की दीवारों और छत पर देखने को मिलेगी, जिसे इरफान ने अपने हाथों से और खुरपे की मदद से तराश कर बनाया है। हरदोई के इरफान और पप्पू बाबा अपना पूरा समय इसी गुफा के अंदर बने महल में बिताते हैं, जिसे उन्होंने अपने हाथों से खुरपे की मदद से बनाया है। वह दिन और रात हर वक्त यहीं रहते हैं, सोते भी इसी के अंदर ही हैं, बस जाते हैं तो केवल अपने घर खाना खाने के लिए। इरफान और पप्पू बाबा, जो कि वर्ष 2010 तक एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर इनके पिता के निधन के बाद इन्होंने अपने क्षेत्र के एक चुनाव में प्रतिभाग किया था, जिसमें इन्हें निराशा हाथ लगी थी। पप्पू बाबा ने शादी नहीं की है। इनके घर पर इनकी माँ और बाकी के सदस्य आज भी घर में ही रहते हैं, मगर यह वर्ष 2011 से फकीरी के जीवन में कदम रखते हैं और बस्ती को छोड़कर एक निर्जन स्थान पर मिट्टी के टीले के अंदर गुफा बनाने में जुट गए और उसे एक महल के रूप में तैयार कर दिया। इरफान और पप्पू बाबा ने अपनी गुफा के बाहर पड़ी बंजर जमीन को फावड़े से बराबर कर उसे खेती योग्य बना दिया है। अब वह इसमें खेती करेंगे। साथ ही इन्होंने एक कुएं का भी निर्माण किया था, मगर कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसे अस्त व्यस्त कर दिया गया था। इरफान और पप्पू बाबा के इस जमीन के अंदर बनाए गए महल की नक्काशी और पिलर के ऊपर तराशी गई नक्काशी को देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि यह किसी अनुभवहीन व्यक्ति ने बनाए हैं। वह इसे बनाने में अपना 12 वर्ष का समय खर्च कर चुके हैं, साथ ही या अब आगे का जीवन भी इसी के अंदर बिताएंगे। मुझे पप्पू बाबा कहते हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के मैं एक बात मानता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को एक मकान की जरूरत है। सबसे पहले तो ये माने कि मैंने एक अपना मकान बनाया जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और अपने मेहमान मेरे बैठ सकें। उसके अलावा मेरे मन में कुछ ख्याल फकीरी का था, तो उस लिहाज से मैंने इसको बनाया और इसी में मैंने अपना एक आशियाना कहें, आस्थाना कहें या स्थान कहें, वो बनाया और इसी में एक मैंने मस्जिद का एक नक्शा मस्जिद भी बनाई है। बाकी ये मेरे बाप दादे की ज़मीन थी, पुरानी बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं इसमें? कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं, मस्जिद को छोड़ के 10-11 हैं। बाकी कब से बनाना स्टार्ट किया था? 2011 से तैयारी करी थी और अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं। अच्छा, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे खाना पानी, ये व्यवस्थाएं कैसे होती? खाना पानी बाकी तो परिवार है, माँ है, भाई बहन है, शादी नहीं करे, पापा का इंतकाल हो गया, घर पे खाना भी खा लेते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप क्या खर्चा करते हो, क्या खाते हो, तो अपने नजराने में उन्हें जो भी 10-20-50 दे दिए तो वो मैं खुशी समझता हूँ उनकी। अच्छा, कह सकते हैं कि आप केवल खाना खाने के लिए अपने घर जाते हैं, बाकी पूरा समय आप यहीं बिताते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है कि लोग अपने बढ़िया मकानों को टाइल्स पत्थर लगा के उसमें रहते हैं, लेकिन आप एक ये जमीन के अंदर ऐसा आपने बना के गुफा बनाई हो, उसमें ये सब रहने लगे क्यों? देखिए, कुछ हर इंसान चाहता है कुछ अलग हो और हमारी भी कुछ शुरू से सोच रही, लेकिन मैं नहीं कामयाब हुआ।
अल्लाह चाहता था कि जब मेरे रास्ते आओगे तो मैं कुछ दूंगा ऐसा जो काबिले तारीफ होगा। मैं तो मानता हूं कि उसकी देन है, मेरी कोई ताकत नहीं। और क्या है ये वक्त भी मालूम होगा। अरे किस थोड़ा तरह से आपने बनाया? 2011 में शुरू किया था आपने ये बनाना, और अभी तक आप बना रहे हैं कैसे? क्या मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे? फड़वा कुछ फड़वा खुरपी कस्सी बचता। अच्छा, नक्काशी भी आपने इसमें तैयार कर रखी? ये मतलब जिस तरह से आपने बनाया, ये एक महल टाइप का है, तो कहाँ से ये चीजें कहाँ से आपको सीखने को मिली या कैसे आपने बनाई? मैंने किसी से नहीं सीखा, जो मेरे दिल में आया वो मैंने करा, और मैं उस पर भरोसा करता हूँ, सबके लिए उसे दुआ करता हूँ और मालिक पूरी भी करता। पूरा नाम क्या है आपका? वैसे तो पप्पू बाबा कहते हैं, नाम इरफान अहमद है।